हेलो एवरीवन वेलकम अगेन टू सर्जिक अकेडमी यूट्यूब क्लासेस तो आज का जो हमारा कंसेप्ट है दैट इज रेशियो एंड प्रोपोर्शन पार्टनरशिप एंड टाइम एंड वर्क इंपॉर्टेंट सेशन है आज का भी यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना कि टेट में ही बल्कि अदर एग्जाम्स में भी तो इन तीन कंसेप्ट को आज हम जो है डिस्कस करेंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी आपके क्वेश्चन रहेंगे रेशो एंड प्रपोर्शन से पार्टनरशिप से टाइम एंड वर्क से क्लियर है तो पहला कंसेप्ट हमारा रेशो एंड प्रपोर्शन और उसका जो पहला क्वेश्चन है फाइंड द स सब ट्रिप्लीकेट रेशियो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए रेशियो क्या होता है तो रेशियो क्या होता है कंपेरिजन ऑफ टू नंबर्स कंपेरिजन ऑफ टू और मोर देन टू सिमिलर क्वांटिटीज भी बोल सकते हैं नंबर्स भी बोल सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं रेशो फॉर एग्जाम्पल आपको बोला कंपेयर करिए फाइव रेशो हंड्रेड तो इसका आंसर कितना आएगा वन रेशो टू इसको हम रेशो बोलते हैं यानी जो सेम नंबर के साथ डिवाइड होंगे उनको हम रेशो बोलते हैं और रेशो जो है दो या दो से ज्यादा क्वांटिटीज को कंपेयर किया जाता है फॉर एग्जाम्पल टू फोर रेशो फोर रेशो एट इसका अगर हम बात करें तो दोनों सेम नंबर से कट रहे हैं वन रेशो तीनों के तीनों वन रेशो टू रेशो कितना हो जाएगा फोर ये आपका आंसर रहेगा मान लो अगर आपके पास लिखा है थ्री रेशो सेवन तो ये किसी भी नंबर के साथ नहीं कट रहे तो इसका आंसर थ्री रेशो सेवन ही है यानी रेशो का मतलब है थ्री रेशो सेवन वैल्यू थ्री नहीं है वैल्यू कोई और थी इसको सेम नंबर से काट कर थ्री आया है जैसे मान लो मैंने लिखा थर्टी रेशियो सेवनटी कट गया थ्री रेशो सेवन आ गया तो जरूरी नहीं हो नंबर थर्टी और सेवनटी होंगे मान लो वो नंबर थ्री हंड्रेड भी हो सकते थे कट गया कंसेप्ट देखिए कि रेशो जो सेम नंबर से कट जाए मान लो आपके पास है नाइन रेशो ट्वेंटी वन कट रहे थ्री से थ्री थ्री नाइन थ्री सेवन ट्वेंटी वन तो कोई भी नंबर तो दैट इज रेशो आपका क्या रहेगा कंपैरिजन ऑफ टू और मोर देन टू सिमिलर क्वांटिटीज तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका सब ट्रिप्लीकेट रेशो तो सब ट्रिप्लीकेट रेशो क्या होता है जैसे हमारे पास ये दो नंबर दिए हैं 512, 729 इनकी हमें सब ट्रिप्लीकेट निकालनी है रेशो की छह टाइप्स होती हैं थोड़ा सा हम रिकॉल करें एक होता है आपका डुप्लीकेट रेशो जिसमें अगर जो आपको रेशो गिवन है उसका हम स्केयर करेंगे उसको बोलते हैं डुप्लीकेट रेशो एक होता है आपका सब डुप्लीकेट रेशियो जो हमारी रेशो होगी उसका स्केयर रूट निकालेंगे उसको हम क्या बोलते हैं सब डुप्लीकेट रेशो एक आपका होता है ट्रिप्लीकेट रेशो आपको रेशो गिवन होगी आपने उसका क्यूब करना है उसको हम बोलेंगे ट्रिप्लीकेट रेशो एक आपका होता है सब ट्रिप्लीकेट आपको रेशो गिवन है सब सब का मतलब छोटा ट्रिप्लीकेट यानी हमने जो रेशो गिवन है उसका हमें क्यूब रूट निकालना है दैट इज एट रेशो नाइन हमारा क्या रहेगा आंसर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर क्लियर है पांचवी टाइप थी आपकी इनवर्स रेशो जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको रेशो गिवन है थ्री रेशो सेवन इसका इनवर्स निकालना है सेवन रेशो थ्री आंसर एक आपका होता है कंपाउंड रेशियो जैसे मान लो आपको थ्री रेशियो सेवन कोमा एट रेशियो नाइन दे रखा है आपको बोला इसके कंपाउंड रेशियो निकालो कंपाउंड में एंटीसीडेंट को एंटीसीडेंट के साथ जो ऊपर ऊपर है रेशो को ऐसे भी लिखते हैं ठीक है तो यानी इसका जो कंपाउंड का आंसर आएगा ट्वेंटी फोर ओवर सिक्सटी थ्री ठीक है आगे ये दोनों फिर सेम नंबर के साथ कट रहे हैं देखिए थ्री के साथ जा रहा है एट ओवर ट्वेंटी वन आंसर आएगा क्लियर है थ्री एट ट्वेंटी फोर ट्वेंटी वन थ्री जै सिक्सटी थ्री तो ये मैंने छह टाइप्स आपको बताई आप इसको वीडियो को पोज करके राइट डाउन कर सकते हैं तो जब भी एग्जाम में आपको क्वेश्चन आएगा सब ट्रिप्लीकेट आपने क्यूब रूट निकालना है सब डुप्लीकेट आया आपने स्केर रूट निकालना है डुप्लीकेट आया आपने स्केयर करना है ट्रिप्लीकेट आया आपने क्यूब करना है क्लियर है नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास देखिए अभी मैं कंपाउंड का आपको बता के नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वही है फाइंड द कंपाउंड रेशो ऑफ टू रेशो सेवन को माफ फाइव रेशियो थ्री एंड फोर रेशो सेवन वही रेशो को मैंने बोला ऐसे रेशो का मतलब है ए वाई बी या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए रेशो बी ठीक है तो यानी कि टू ओवर सेवन फाइव ओवर थ्री फोर ओवर सेवन तो कंपाउंड रेशो में क्या करना ऊपर वालों को ऊपर मल्टीप्लाई दैट इज एंटीसीडेंट बोलते हैं इनको नीचे वालों को तो जब हम सेवन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से फोर नाइन सेवन यहां से आपका आंसर आएगा वन फोर्टी सेवन ट्वेंटी वन इंटू सेवन जब करेंगे क्लियर है तो फोर्टी रेशो वन फोर्टी सेवन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर भी ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए चलिए रेशो के रेशो के चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे के सारा कंसेप्ट डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आपको गिवन है टी रेशो क्यू एट रेशो फिफ्टीन क्यू रेशो आर थ्री रेशो टू ध्यान से समझिएगा ये क्वेश्चन आगे भी ये कंसेप्ट यूज होगा हमें निकालना है पी रेशो क्यों रेशो आर डेन फाइंड पी रेशो क्यों रेशो आर करना क्या होता है ऐसे क्वेश्चन में जब आपको दो वैल्यूज गिवन है आपको पी रेशो क्यों भी गिवन है आपके पास क्यों रेशो आर भी गिवन है हमें निकालना है पी रेशो क्यों रेशो आर क्या करेंगे ये जो आपके पास दो वैल्यूज गिवन है इनमें कॉमन क्या है इनमें अगर हम देखें तो इनमें क्या कॉमन है इनमें क्या कॉमन है क्यू कॉमन है तो हमें यहां पे क्यू की वैल्यू इक्वल करनी है अगर आप थोड़ा सा इक्वल करें जो हम लीनियर इक्वेशन में करते थे क्यू की वैल्यू यहां पे पंद्रह है यहां पे तीन है यहां पे पंद्रह बनाने के लिए इसको पांच के साथ मल्टीप्लाई कर दे ऊपर वाला हमारा एंज रहा एट रेशो फिफ्टीन नीचे वाला आपका हो गया फिफ्टीन रेशो टेन तो यहां से पी रेशो क्यू रेशो आर देखिये पी की वैल्यू कितनी आठ क्यों की वैल्यू यहां पर पंद्रह यहां भी पंद्रह यह रेशो टेन एट रेशो फिफ्टीन रेशो टेन दैट इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर क्लियर है जैसे मान लो आपको ये गिवन है ना पी रेशो के फॉर एक्साम्पल पी रेशो के आपका एट रेश फिफ्टीन है इसका मतलब क्या होता है पीओवर क्यों इज इक्वल टू एट पॉइंट फिफ्टीन मतलब पी की वैल्यू आठ क्यों की वैल्यू पंद्रह तो हमने दोनों में क्यों की वैल्यू इक्वल करी क्लियर है ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है नोट करेंगे इसको अच्छे से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहां से भी ऐसे भी जितने भी मैंने बोला जितने भी हमारे रेशो से रिलेटेड टाइप्स रहेंगी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उन सबको जो है हम डिस्कस करेंगे ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर ए अब देखिए फोर ए इज इक्वल टू क्या दे रखा है फाइव बी एंड सेवन बी इज इक्वल टू क्या दे रखा है नाइन सी यहां भी हमें क्या फाइंड करना है ए रेशो बी रेशो सी फाइंड करना है करना क्या होता है यहां से पहले हमें क्वेश्चन फर्स्ट टाइप में लेके जाना है पहली क्वेश्चन से अगर मैं देखूं मेरे पास क्या ये बन रहा है ए अपॉन बी इज इक्ल टू फाइव पॉइंट फोर इसका मतलब क्या हो गया ए रेशो बी इज इक्वल टू फाइव रेशो फोर चला गया क्वेश्चन पहली टाइप में दूसरे यहां से क्या बन रहा है यहां से b अपॉन सी इज इक्वल टू नाइन अपन दैट इज बी रेशो सी नाइन रेशो सेवन ये आया क्वेश्चन हमारा चला गया लास्ट क्वेश्चन की फॉर्म में यानी यहां से ए रेशियो बी इज इक्वल टू फाइव रेशियो फोर हो गया बी रेशियो सी इज इक्वल टू नाइन रेशियो सेवन हो गया फाइंड हमें ratio ratio करना है फिर दोनों में क्या कॉमन है बी हमें बी की वैल्यू बराबर करनी है यहां पे बी नाइन है यहां पे फोर है इस इक्वेशन को नाइन के साथ मल्टीप्लाई इस इक्वेशन को फोर के साथ तो यहां से आपका ए बी बन गया फोर्टी फाइव थर्टी सिक्स और यहां पर बी सी बन गया थर्टी सिक्स रेशियो ट्वेंटी एट इट इंप्लाइज ए रेशो बी रेशो सी पैंतालीस छत्तीस और अट्ठाईस दैट इज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर क्लियर है तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको उसको पहले वाली फॉर्म में लेके जाने सिंपली हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी होती है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन फिफ्थ क्या है हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन फिफ्थ है हमें गिवन है पी रेशो क्यू रेशो आर हमारे पास है टू रेशो थ्री रेशो फोर क्लियर है टू रेशो थ्री रेशो फोर हमें निकालना है पी ओवर क्यू रेशो क्यो ओवर आर रेशो आर ओवर पी वैल्यू पुट करते जाएंगे पी की वैल्यू कितनी है टू टू ओवर थ्री थ्री ओवर फोर फोर ओवर टू वी जब भी एक चीज माइंड में रखेंगे रेशो जो है कभी भी डिवाइड में नहीं होती है तो जब भी क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में मिलेगा हमें इसको सिंप्लीफाई करना है कैसे नीचे वाले जितने भी नंबर्स हैं दैट इज थ्री फोर टू उनका हमें एलसीएम लेना है वो कितना आ गया ट्वेल्व उस एलसीएम को ऊपर हमने सबके साथ मल्टीप्लाई कर देना है यहां पे रेशो आएगा थ्री इंटू ट्वेल्व पॉइंट फोर रेशो फोर इंटू ट्वेल्व पॉइंट टू यहां से थ्री फोर द्वेल्व आंसर एट फोर थ्री द्वेल्व आंसर नाइन टू सिक्स आंसर ट्वेंटी फोर आंसर आ गया एट रेशो नाइन रेशो फोर यानी पी ओवर क्यों रेशो क्यों ओवर आर r ओवर पी एट रेशो नाइन रेशो ट्वेंटी फोर क्यों क्योंकि रेशो जो है वो डिवाइड में नहीं होता है तो यहां से आपका ऑप्शन जो है ऑप्शन बी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर एट रेशो नाइन रेशो ट्वेंटी फोर क्लियर है तो यहां से क्या देखा हमने कि जब भी रेशियो डिवाइड में होगी आपको नीचे वालों का ले लेके ऊपर मल्टीप्लाई करना है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सिक्स है इफ वन बाई टू ऑफ ए देखिए सेम क्वेश्चन है मैंने बोला हमें ए बी सी की वैल्यू निकालनी है वन बाई टू ऑफ ए इज इकल टू टू बाई फाइव ऑफ बी इज इकल टू वन बाई थ्री ऑफ सी यहां से हमने पहले दो कंपेयर करने हैं ठीक है क्या देखो ना तीनों इक्वल हैं तो वन बाई टू ऑफ ए इज इक्वल टू टू बाई फाइव ऑफ बी हो गया यहां से ए अपॉन बी टू उधर चला गया टू टू दर कितना हो गया फोर यानी ए रेशियो बी इज इक्वल टू फोर रेशियो फाइव सेम यहां से आगे वाले दो कंपेयर कर लो वन टू बाई फाइव ऑफ बी इज इक्ल टू वन बाई थ्री ऑफ सी यानी सी बी ओवर सी इज इक्वल टू फाइव ओवर थ्री टू जिक्स तो यहां से बी रेशियो सी फाइव रेशियो सिक्स अब देखिए यहां पर ए की वैल्यू फोर है बी की फाइव है यहां पर बी की फाइव है यानी क्वेश्चन हमारा ये चला गया ना ए रेशियो बी आ गया फोर रेशियो फाइव क्वेश्चन पहले सिंपल पहले वाली फॉर्म में लेके जाएंगे फाइव रेशियो सिक्स अब यहां पे बी की वैल्यू जो है बराबर दे रखी है तो यहां पे हमें इसको सोल्व करने की नीड नहीं है दैट इज आंसर फोर रेशो फाइव रेशो सिक्स ऑप्शन क्लियर है तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में सभी टाइप जो है रेशियो से रिलेटेड डिस्कस करेंगे आज नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मीन प्रोपोर्शनल प्रपोर्शनल से रिलेटेड क्वेश्चन है जैसे थोड़ा सा मैं प्रपोर्शनल को अगर रिलेट uh, करूं द कंपेरिजन ऑफ रेशो इज कोल्ड प्रोपोर्शनल जब हम रेशो को कंपेयर करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं प्रोपोर्शनल बोलते हैं द कंपेरिजन ऑफ रेशो इज कोल्ड प्रोपोर्शनल दैट इज ए रेशो बी प्रोपोर्शनल सी रेशो डी जब दो रेशों को कंपेयर किया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं प्रोपोर्शनल बोलते हैं इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी यानी बीच में आपके ये चार दो होंगे क्लियर है इसको हम क्या बोलते हैं प्रोपोर्शनल अब आगे प्रोपोर्शनल भी तीन तरह का होता है एक आपका होता है थर्ड प्रोपोर्शनल कैलकुलेट करना एक आपका होता है फोर्थ प्रोपोर्शनल एक आपका होता है मीन प्रोपोर्शनल थर्ड प्रोपोर्शनल में हम क्या करते हैं थर्ड प्रोपोर्शनल में आपको दो वैल्यू गिवन होंगी आपने तीसरी निकालनी है तो उस केस में आपकी जो वैल्यू है वो ये बन जाएगी यानी आपको दो गिवन होगी ए और बी ए बी बी सी फोर्थ प्रोपोर्शन में आपको तीन गिवन होंगी ए रेशो बी प्रोपोशनल सी रेशो डी क्लियर है ए रेशो बी प्रोपोशनल सी रेशो बी ये तीन गिवन होंगी चौथी निकल जाएगी मीन प्रोपोर्शन में हमें क्या करना होता है मीन में हमें मिड वाली वैल्यू निकालनी होती है जैसे ए रेशो बी प्रपोर्शनल बी रेशियो सी हमें ये निकालना होता है यहां से आपका क्या बन जाएगा ए वाई बी इज इकल टू बी वाई सी यानी बी स्केर इज इकल टू क्या जाएगा ए सी और बी इज इकल टू रूट ऑफ ए सी डायरेक्ट सिंपल हमने यानी कि जो हमें दो नंबर दिए हैं उनके प्रोडक्ट का हमें रूट निकालना ये मैंने तीनों टाइप आपको लिख दी आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं क्वेश्चन जो है किसी भी टाइप से आ सकता है तो यहां से हमें निकालना था हमें निकालना है यहां से मीन प्रोपोर्शनल तो मीन प्रोपोर्शनल के लिए मैंने बोला कि जो हमें दिया अंडर रूट ऑफ उसका प्रोडक्ट का रूट तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा थ्री इंटू थ्री एट इंटू एट एक पेर ये बाहर आ गया दैट इज थ्री इंटू एट आंसर हमारा कितना आ गया ट्वेंटी फोर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर क्लियर है नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर एट जो है हमारा क्वेश्चन ंबर एथ जो है वन अपॉन फाइव रेशो वन ओवर एक्स इज इक्वल टू यानी कि प्रोपोर्शनल वन ओवर एक्स अपॉन वन पॉइंट टू फाइव हमें क्या करना है एक्स फाइंड करना है भी बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन देखो रेशो पहले तो दो रेशो है ना इसका मतलब क्या upon 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 one upon one है वन अपॉन फाइव अपोन वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स अपोन वन अपॉन वन पॉइंट टू फाइव यही मतलब है ए बाई बी सी बाई डी सोल्व करेंगे ये 5 यहां आ जाएगा ऊपर चला जाएगा ये बन गया ओवर ये ऊपर तो यहां से आपका कितना हो गया सिक्स पॉइंट टू फाइव ये होगा सिक्स पॉइंट टू फाइव सिक्स पॉइंट टू फाइव का मतलब है, एक्स स्केयर इज इक्ल टू छ सौ पच्चीस बटे सो एक्स निकालना है भी देखो कैलकुलेशन ही है 65 फाइव कौन क्या हो गया 100 दैट इज एक्स इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव ओवर टेन आंसर आपका 2.5 पॉइंट फाइव दैट इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर क्लियर है तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है इसमें हमें कंपैरिजन दिया था प्रोपोर्शन तो दी थी हमें वैल्यू निकालनी थी सॉल्व करना है क्योंकि ये पता होना चाहिए कि रेशियो का मतलब होता है डिवाइड क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते पहले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फाइंड द पहले डि मैंने बताया फोर्थ इज ए बी प्रोपोर्शनल सी रेशो डी ए रेशो बी प्रोपोर्शनल सी रेशो डी यानी हमें क्या दिया हमें दिया फाइव रेशो एट प्रोपोर्शनल क्या निकालना फिफ्टीन रेशो डी दैट इज फाइव ओवर एट इज इक्वल टू फिफ्टीन ओवर डी तो डी इधर चला जाएगा फिफ्टीन इन एट कितने हो जाएंगे फाइव थ्री फिफ्टीन डीज इकल टू कितना ट्वेंटी फोर फोर्थ प्रोपोर्शन की तीन गिवन होगी एवी बी और सीवी थर्ड प्रोपोर्शन का मतलब हमें दो वैल्यू गिवन होगी सिर्फ ए और बी तो करना क्या होता है हमें बी को कॉमन लेना है बी की वैल्यू दोनों जगह वही पुट करेंगे सी निकल जाएगा क्लियर है मीन हमने आपको क्वेश्चन डिस्कस कर लिया हमने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका टेंथ ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं वे अगर आपका रेशो वाला कंसेप्ट क्लियर होगा तो सारे के सारे क्वेश्चन आप इजली कर सकते हैं अब देखिए उसने बोला सेवन एट्टी टू रुपीज सेवन टू भी डिवाइडेड अमंग थ्री पार्ट्स प्रोपोर्शनल यानी तीन लोगों में मैंने ले लिया ए बी सी में पैसे बांटे कितने सात सौ बासी किस रेशो में वन बाई टू रेशो टू बाई थ्री रेशो थ्री बाई फोर अगर आपने ध्यान से सुना होगा लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था कि रेशो कभी भी डिवाइड में नहीं होता है तो इसके लिए मुझे पहले रेशो को जो है वो सिंपल फॉर्म में लेके जाना है क्या करना है नीचे वाले जितने भी नंबर है उनका कैल्शियम लेंगे कितना आ गया ट्वेल्व आ गया इज ट्वेल्व पॉइंट टू रेशो टू इंटू ट्वेल्व ओवर थ्री रेशो थ्री इंटू ट्वेल्व ओवर फोर वही रेशो जब भी आपको डिवाइड में दिखेगा तो आपने क्या करना है आपने नीचे वाले नंबर कैल्सियम लेके ऊपर मल्टीप्लाई करना है अब हमारा आंसर आया कि जो तीन लोगों में हमने पैसे बांटे हैं वो सिक्स रेशो एट रेशो नाइन में बांटे हैं क्लियर है किस में बांटे हैं सिक्स रेशो एट रेशो नाइन के अंदर हमने वो तीन लोगों के जो है हमने पैसे डिस्ट्रीब्यूट करे हैं क्लियर है तो यहां से हम क्या करेंगे यहां से हमने इसको फर्दर सोल्व करना है अब देखिए ए का शेयर कितना हो गया रेशो का मतलब था कुछ ना कुछ हमने कॉमन लिया तो ए का शेयर हो गया सिक्स एक्स बी का एट एक्स सी का नाइन एक्स अब कितने रुपए बांटे हैं सात सौ बयासी सेवन एट्टी टू इसका मतलब तीनों का सम किसके बराबर आएगा सेवन एट्टी टू के इक्वल आएगा यहां से हमें एक्स निकालना है एट और सिक्स फोर्टीन फोर्टीन एंड नाइन हमारे हो गए ट्वेंटी थ्री एक्स इज इक्ल टू सेवन टू क्लियर है तो यहां से हमारा एक्स आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू ट्वेंटी थ्री झा सिक्सटी नाइन सिक्सटी नाइन देन आपके यहां से हो जाएंगे नाइन ट्वेंटी थ्री फोर जा नाइनटी टू एक्स आपका थर्टी फोर आ जाएगा एक्स हमारा कितना आ जाएगा थर्टी फोर आपका एक्स आ जाएगा तो यहां से हमें बोला क्या है देन द फर्स्ट पार्ट यानी ए का शेयर कितना है ए को कितने मिले हैं सिक्स एक्स दैट इज सिक्स इन टू थर्टी फोर दो सो चार ए को जो है टू हंड्रेड फोर रुपीज मिले हैं ऑप्शन डी इज द राइट आंसर इसी तरह आप बी का शेयर निकाल सकते हैं इसी तरह आप सी का शेयर निकाल सकते हैं वी इंपोर्टेंट कह नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है देखिए क्या बोला है इसमें रेशोर्स इज थ्री रेशो फोर तीन नंबर है उनका रेशो हमें थ्री रेशो फोर दे है। ए आपका थ्री आपका सी आपका 5X. और सम ऑफ स्क्स उनके वर्गों का योग 3X का होल एक्स का स्क्तर प्लस फाइव एक्स का इक्वल टू ट्वेल्व फिफ्टी तो यहां से नाइन एक्स स्क्स फाइव एक्स पहला काम निकल है शेयर इज फिटी सोलह नौ पच्चीस और पच्चीस आपके हो जाएंगे पचास एक्स स्केयर बारह सो पचास जीरो से जीरो कैंसल ट्वेंटी फाइव एक्स स्केयर इज ट्वेंटी फाइव यहां से एक्स कितना आ गया फाइव वी कैलकुलेशन है सिंपल फटाफट सोल्व करते जाएंगे तो ए का शेयर यहां पे कितना हो गया फाइव थ्री फिफ्टीन बी का शेयर कितना हो गया ट्वेंटी सी का शेयर कितना हो गया ट्वेंटी फाइव हमें सम ऑफ नंबर पूछा है तो यहां से चालीस और बीस कितने हो गए साठ एंड ऑप्शन सी इज द राइट आंसर क्लियर है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका ट्वेल्थ क्वेश्चन अब देखिए क्वेश्चन किस तरह से डाला है बोला है इफ एक्स वाई इज थर्टी सिक्स यानी अगर एक्स और वाई का प्रोडक्ट है जो छत्तीस है थर्टी सिक्स है देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज correct? तो नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है क्या एक्स रेशो नाइन इज इक्वल टू फोर रेशन नाइन इज इक्वल टू फोर अपोन वाई वाई इधर चला गया एक्स वाई इज इक्वल टू थर्टी सिक्स यस फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा राइट right आंसर है क्लियर है देखिए अगर मैं पहले को उठाऊं नाइन रेशो एक्स इज इक्वल टू फोर रेशो इजल टू मतलब होता है प्रोपोर्शन इसमें आपको उसने ऐसे भी दिया हो सकता है ऐसे भी एग्जामिनर जो आपको दे सकता है ठीक है तो नाइन अपॉन एक्स इज इक्वल टू फोर अपॉन वाई बनेगी नहीं बात एक्स और वाई आपस में मल्टीप्लाई नहीं होगी हमें तो एक्स वाई मल्टीप्लाई में चाहिए तो ये वाला ऑप्शन गलत होगा बाकी रेस्ट ऑफ ऑल द सभी के सभी ऑप्शन क्या रहेंगे गलत रहेंगे ऑप्शन ए जो है वो हमारा क्या रहेगा राइट right आंसर रहेगा इसका क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्टींथ है सेम क्वेश्चन पहले भी डिस्कस किया थोड़ा सा इसमें चेंजेस रहेंगे क्या बोला है इसने वट सम ऑफ मनी इज टू बी डिवाइडेड अमंग थ्री पर्सन इन थ्री रेशो फोर रेशो सेवन बोलता तीन लोगों में कितने पैसे जो है बांटे गए किस रेशो में थ्री रेशो फोर रेशो सेवन में सो दैट द सेकेंड पर्सन रिसीव रूपीज ट्वेल ओनली अब हमें स्पेसिफाई दे दिया देखो ए को मिले हैं मान लो थ्री एक्स बी को मिले हैं फोर एक्स सी को मिले हैं सेवन एक्स उसने बोला कि जो सेकंड पर्सन है उसको सिर्फ बारह रुपए मिले दैट इज फोर एक्स इजिकल टू कितना हो गया आपका ट्वेल्व हो गया तो यहां से एक्स इजिकल टू कितना हो गया थ्री हो गया तो ए को कितने मिले नाइन इसको कितने मिले हैं ट्वेल्व इसको कितने मिले ट्वेंटी वन तीनों का सम किया फोर्टी टू रुपीज जो है वो तीनों लोगों में डिवाइड किए गए हैं दैट इज ऑप्शन डी इज द राइट आंसर क्लियर है चलिए नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टीन इजी कंसेप्ट है आपका ये एंड प्रोपोर्शन वाला इजी कंसेप्ट रहता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो सारे हमने आपके एग्जाम का रेशो है वो फोर रेश फाइव है इसका मतलब क्या है कि दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्वांटिटी है उनकी जो नंबर ऑफ इज बॉयज एंड गर्ल्स है वो फोर स्कूल में चार और पांच लड़कियां रेशो मतलब लिया है वो चालीस पचास भी हो सकते हैं चार सौ और पांच सौ भी हो सकते हैं ट्वेंट आपके। ट्वेंटी तो ट्वेंटी सेवन के साथ चले जाएंगे ना ट्वेंटी एट बॉयजी फाइव गर्ल्स है तो सारे क्या बोला है क्वेश्चन में बोला है इन स्कूल आपके होंगी फिर क्या क्या गर्ल्स छोड़ दिया रेशो सिक्स ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है उसने बोला कि यदि सो लड़कियों ने स्कूल को छोड़ दिया देन द रेशो विकम्स सिक्स रेशियो सेवन इसका मतलब क्या है रेशो फोर फाइव था ना इसका मतलब क्या है फोर एक्सपॉइट है फोर किसने स्कूल छोड़ा है लड़कियों ने देखो रेशो बॉयज एंड गर्ल्स तो बॉयज ऊपर आएगा गर्ल्स नीचे आएगा दैट इज फाइव एक्स माइनस क्या होगा हंड्रेड तब रेशो कितनी हो जाएगी सिक्स रेशियो सेवन ये वाला पॉइंट समझने वाला है उसने बोला जब सो लड़कियों ने स्कूल छोड़ा तो जो नई रेशो थी वो होगी आपकी सिक्स रेशियो सेवन वो आपकी सिक्स रेशियो सेवन होगी नई रेशो तो डिवाइड किया सिंपल लड़कियों ने स्कूल छोड़ा है तो माइनस करेंगे अगर बोला था सो नई लड़कियां आती प्लस करते अगर बोला होता पचास लड़कों ने स्कूल छोड़ा यहां पर माइनस करते अगर बोला होता पचास नए लड़के आते और सो नई लड़कियां चली जाती तो ऊपर प्लस नीचे माइनस क्लियर है तो जैसे क्वेश्चन में बोला है तो यहां से आपका क्या बन जाएगा माइनस के कितने हो गए सिक्स हंड्रेड तो यहां से इधर आगे ट्वेंटी एट में से थर्टी जाएंगे माइनस के टू एक्स माइनस के सिक्स हंड्रेड यहां से कैंसिल हो गया एक्स इजिकल टू कितना आ गया थ्री हंड्रेड तो एक्स इजिकल टू थ्री हंड्रेड फोर्थ सीधा लड़के कितने हैं स्कूल में 1200 और लड़के कितनी है हमारे स्कूल में 1500 क्या पूछा है हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन स्कूल दैट इज 1200 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर क्लियर है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी वी वीडियो को पोज करके आप इजिली आराम से भी सुन सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्टी परसेंट ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू द टू बाई थर्ड ऑफ टू बाई थर्ड ऑफ एन अदर नंबर वट इज द रेशो फर्स्ट नंबर टू द सेकंड नंबर बिल्कुल इजी क्वेश्चन होते हैं ऐसे जो भी स्टेटमेंट से रिलेटेड रहते हैं रेशो एंड प्रोपोर्शन के चैप्टर में उसने बोला फोर्टी परसेंट ऑफ ए नंबर फोर्टी परसेंट ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू टू वाई थर्ड ऑफ द सेकेंड नंबर यानी पहली संख्या का जो चालीस प्रतिशत है वो दूसरी संख्या का दो बटे तीसरा हिस्सा है तो यहां से हमें क्या करना है हमें ए और बी ही तो निकालना है थोड़ा सा सोल्व करेंगे ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई क्लियर तो दैट इज फोर्टी अपॉन हंड्रेड ए टू बाई थ्री बी जीरो से जीरो कैंसर टू टू जो टू फाइव जो टेन क्या बना टू बाई फाइव ऑफ ए टू बाई थ्री ऑफ बी टू से टू भी कैंसर ए अपॉन बी फाइव उधर चला गया फाइव ओवर थ्री ए रेशो बी फाइव रेशो थ्री वट इज द रेशो ऑफ फर्स्ट नंबर टू द सेकंड नंबर फाइव रेशो थ्री दैट इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर अगर इस क्वेश्चन में उसने आपको बोला होता है व्हाट इज द रेशो ऑफ सेकंड नंबर टू फर्स्ट नंबर दैट इज थ्री रेशो फाइव इन्वर्स कर देंगे क्लियर है तो इस तरह से आपके रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे आपने सिंपल उनको सॉल्व करना है भी समय में जितने भी हो सका हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाए हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको खुद ही डिस्कस करने हैं लेकिन ऐसा कोई भी कंसेप्ट नहीं रहेगा अगर आप इसको भी अच्छे से स्टडी करेंगे तो कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बाहर रहे क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे 15 परसेंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू ट्वेंटी परसेंट ऑफ वाई इजी क्वेश्चन देखिए अभी किया 15 परसेंट ऑफ एक्स इज इक्ल टू ट्वेंटी परसेंट ऑफ वाई वर्ड एक्स रेशो वाई तो 15 परसेंट अब परसेंट लगा है डिवाइड क्या होगा 100 परसेंट लगा है डिवाइड क्या होगा हंड्रेड हंड्रेड से हंड्रेड क्या हो गया कैंसल एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू ट्वेंटी पॉइंट फिफ्टीन फाइव फोर जो ट्वेंटी फाइव थ्री फिफ्टीन एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू फोर पॉइंट थ्री दैट इज फोर रेशो थ्री ऑप्शन बी इज द राइट आंसर इजी इजी क्वेश्चन रहते हैं आपके रेशल प्रपोर्शन से और एग्जाम में पूछे जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवनटींथ है भी आपका पार्टनरशिप से रिलेटेड कंसेप्ट रहेगा पार्टनरशिप से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं मान लो आप दो लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया अब एक ने भी इन्वेस्टमेंट करी दूसरे ने भी इन्वेस्टमेंट करी सबसे पहले तो जो पार्टनरशिप है थोड़ा सा अगर हम बात करें पार्टनरशिप जो है वही दो तरह की रहती है एक हमारी होती है सिंपल पार्टनरशिप एक हमारी होती है कंपाउंड पार्टनरशिप सिंपल पार्टनरशिप में क्या रहता है सिंपल पार्टनरशिप में जो टाइम पीरियड है वो सेम रहता है एक्सप्लेन करूंगा अभी और जो इसमें जो है टाइम पीरियड जो है वो डिफरेंट रहता है कंपाउंड पार्टनरशिप में टाइम पीरियड क्या रहेगा डिफरेंट रहेगा सिंपल पार्टनरशिप में टाइम पीरियड सेम रहेगा यानी कि मान लो मैंने और मेरे दोस्त ने कोई काम स्टार्ट किया मैंने मान लो दस हजार रुपए लगाए उसने मान लो बीस हजार रुपए लगाए हमने एक साल के लिए काम किया तो दोनों का टाइम पीरियड सेम है यानी मैंने भी एक साल के लिए बिजनेस में इन्वेस्ट किया उसने भी एक साल के लिए बिजनेस में इन्वेस्ट किया जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट था वो डिफरेंट हो सकती है सेम भी हो सकती है डिफरेंट भी हो सकती है उसके बाद कंपाउंड पार्टनरशिप में क्या रहता है हमारा टाइम पीरियड जो है अलग अलग रहता है फॉर एग्जाम्पल मैंने बिजनेस स्टार्ट एक साल के लिए मैंने दस हजार रुपए लगाए तीन महीने बाद बारह महीने काम किया लेकिन उसने कितने काम किया नौ महीने क्योंकि उसने तीन महीने बाद ज्वाइन किया मुझे तो उसका जो प्रॉफिट रहेगा वो नौ महीने के अकॉर्डिंग रहेगा लेकिन इसमें जो प्रॉफिट डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है अमाउंट के ऊपर यहां पे भी अमाउंट के ऊपर पैसे किसने ज्यादा लगाए हैं तो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है हमें जो है प्रॉफिट रेशियो फाइंड करनी होती है क्या फाइंड करना होता है हमें प्रॉफिट रेशियो फाइंड करनी होती है तो बिल्कुल ही इजी रेशो से रिलेटेड है ऐसे क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट रेशो फाइंड करनी है जैसे ए इन्वेस्टेड ए ने कितने पैसे लगाए हैं ए ने पैसे लगाए हैं यहां पर चार हजार रुपए एंड बी ने कितने इन्वेस्ट किए यहां पे बी ने जो है इन्वेस्टमेंट करी है ट्वेल्व थाउजेंड तो हमें उन दोनों की जो है रेशो फाइंड करनी है ए रेशो बी दैट दउजेंड रेशो ट्वेल्व थाउजेंड दोनों की जो रेशो आएगी वो कितने आएगी वन रेशो थ्री वन रेशो थ्री ही जो है उनकी प्रॉफिट रेशो है जो भी हमने उन्होंने इन्वेस्ट किया है उनके हमें रेशो फाइंड करनी है यानी जो भी उनका एनुअल प्रॉफिट होगा ए को अगर एक रुपए मिलेगा तो बी को कितने रुपए मिलेंगे रुपए जो है वो मिलेंगे क्लियर है तो प्रॉफिट की रेशियो जो है आपकी इन्वेस्टमेंट की रेशियो पे डिपेंड करती है इन्वेस्टमेंट की सिंपल हमें रेशियो निकालनी है वही हमारी क्या रहेगी प्रॉफिट रेशियो रहेगी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा सेम ए एंड बी इन्वेस्टेड रुपीज ट्वेंटी फोर थाउजेंड एंड एट थाउजेंड रुपीज फॉर अ पीरियड ऑफ टू ईयर दो साल के लिए भी सिंपल अगर पार्टनरशिप चली है तो उनमें जो है इन्वेस्टमेंट जो है वो सेम रहेगी इन्वेस्टमेंट सॉरी डिफरेंट रहेगी लेकिन टाइम पीरियड जो है वो सेम रहेगा ए ने कितने पैसे लगाए हैं चौबीस हजार रुपए बी ने कितने पैसे लगाए हैं आठ हजार रुपए तो उनकी जो प्रॉफिट रेशो आएगी भी मैंने क्या बोला प्रॉफिट रेशो निकालनी होती है वो आपकी क्या होती है इन्वेस्टमेंट रेशो यह आपकी आ गई प्रॉफिट रेशो यानी जो इन्वेस्ट है उसकी रेशो निकालेंगे अब एट द एंड ऑफ द ईयर दे आफ्टर टूर्यर्स दे प्रोफिट फोर्टी एट थाउजेंड दो साल के बाद उनको अड़तालीस हजार रुपए का फायदा हुआ यानी अगर ए को तीन एक्स मिलेंगे तो बी को कितने मिलेंगे सिर्फ एक्स मिलेंगे ना एक रुपए मिलेगा तो इनका जो सम होगा कितना होगा अड़तालीस हजार यानी कि यहां से फोर एक्स इज इक्वल टू फोर्टी एट थाउजेंड एक्स यहां से कितना आ गया बारह हजार किसका शेयर पूछा है फाइंड आउट द शेयर ऑफ ए को शेयर कितना मिला है थ्री एक्स थ्री इंटू ट्वेल्व थाउजेंडा थर्टी सिक्स थाउजेंड का शेयर रहेगा ऑप्शन बी राइट अगर एक पूछा बी का था तो एक है बढ़ाना यहाँ दो साल बोल रहा हो चाहे तीन साल बोल रहा हो टाइम पीरियड जो है सेम रहेगा सिंपल हमें इन्वेस्टमेंट की रेशियो फाइंड करनी है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइनटीन्थ देखिए क्वेश्चन नंबर नाइनटीन्थ जो है वो अब रहेगा आपका कंपाउंड पार्टनरशिप से रिलेटेड ए बी एंड सी स्टार्ट अ बिजनेस विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ फिफ्टी थाउजेंड सब सबने पचास पचास हजार रुपए लगाए ए रिमेन्स इन द बिजनेस नाइन मंथ बी फोर सिक्स मंथ एंड सी फोर ट्वेल्व मंथ यानी ए ने सिर्फ नौ महीने के लिए काम किया बी ने सिर्फ छह महीने के लिए काम किया सी ने जो है पूरा साल काम किया इन्वेस्टमेंट सबकी पचास हजार है वो अलग अलग भी हो सकती है वो मैटर नहीं करता है यहां पे भी हमें क्या निकालनी है रेशो निकालनी देखिए क्या करना है यहां पे ए ने कितने पैसे लगाए हमें इन्वेस्टमेंट रेशो निकालनी है इन्वेस्टमेंट रेशो जो हम पीछे करते आए हैं वही हमारी क्या होती है पी प्रॉफिट प्रोफिट रेशो तो यहां पर ए ने लगाए हैं पचास ध्यान से देखिएगा कितने महीने के लिए सिर्फ नौ महीने के लिए नौ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्लियर है रेशो बी ने कितने पैसे लगाए हैं बी ने लगाए हैं पचास हजार कितने महीने के लिए छह महीने के लिए छे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट क्वेश्चन में भी देखो बेसिकली ऐसा ही था जैसे ए ने चार हजार रुपए लगाए एक साल के लिए एक साल में बारह महीने बी ने चौबीस हजार रुपए लगाए या जितने भी लगाए कितने महीने के लिए एक साल के लिए तो एक साल में बारह से बारह कट गए इसलिए वो लिखते नहीं थे अब यहां पर ऐसा नहीं है यहां पर हमें जो है लिखना पड़ेगा यहां पर जो है हमें क्या करना पड़ेगा लिखना पड़ेगा क्योंकि सबका टाइम पीरियड जो है वो क्या है अलग अलग है उसी तरह सी ने पैसे लगाए कितने पचास हजार कितने महीने के लिए बारह के बारह महीने के लिए तो रेशो में सबको डिवाइड करते हैं अभी देखो पचास हजार तो कैंसिल हो गए यहां सोल्व कर लेते हैं नाइन रेशो सिक्स रेशो तो अलग... अब भी ये तीनों एक नंबर के साथ कट हो रहे हैं तीनों के तीनों जब एक नंबर के साथ कट हो जाएंगे तब तक हम काटते रहेंगे जब तक तीनों एक नंबर के साथ कट हो जाएं, तो दैट इज प्रॉफिट रेशो थ्री रेशो टू रेशो सिक्स थ्री थ्री जो नाइन थ्री टू सिक्स। सॉरी सिक्स नहीं आएगा यहां पे, थ्री फोर आएगा थ्री रेशो टू रेशो फोर तो यानी आपका ऑप्शन ए क्या रहेगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर क्लियर है तो इस तरह से यानी ए को तीन रुपए मिलेंगे बी को दो रुपए सी को चार रुपए ए ने नौ महीने के लिए काम किया था बी ने सिर्फ छह महीने के लिए सी ने पूरा साल काम किया था तो क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह से रहेगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी हमारा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी देखिए क्या बोल रहा है सेम ए स्टार्ट बिजनेस विद रूपीज फोर थाउजेंड ए ने कितने पैसे लगाए चार हजार रुपए लगाए एंड बी ज्वाइंस द बिजनेस फोर मंथ्स लेटर थ द इन्वेस्टमेंट ऑफ फाइव थाउजेंड यानी बी ने मैं यहां लिख रहा हूं बी ने कितने पैसे लगाए पांच हजार एफ्टर वन ईयर वन ईयर बोला ना तो यहां पे कितने महीने लिखेंगे बारह एक साल में बारह महीने अगर टू ईयर लिखा होता तो यहां पे कितने लिखते चौबीस क्योंकि दो साल में चौबीस महीने ठीक है अब बी ज्वाइंस द बिजनेस फोर मंथस लेटर चार महीने बाद यानी एक साल में बारह महीने बी जो है वो चार महीने बाद आया बारह में से चार गए बी ने कितने महीने काम किया आठ महीने अगर यहां पे बोला होता आफ्टर टू इयर्स तो यहां पे चौबीस और बी चार महीने बाद आया चौबीस में से चार गए बीस महीने क्लियर है अब यहां से सोल्व करेंगे देखो तीन जीरो ये कैंसिल होगी आंसर आपका फोर इंटू ट्वेल्व रेशो फाइव इंटू एट कैंसिल हो रहा है गोट ऑफ प्रोफिट ऑफ ट्वेंटी टू थाउजेंड ये तो आपके आ गई प्रोफिट रेशो यानी कितने मिले सिक्स एक्स मिले फाइव एक्स दोनों का समेत कितने हुए बाईस हजार बाईस हजार एक्स इज इकल टू हजार रुपए बारह हजार और बी का शेयर दस हजार तो दैट इज फाइंड द शेयर ऑफ बी शेयर ऑफ बी इज इकल टू टेन थाउजेंड ऑप्शन सी इज द राइट आंसर तो यह था हमारा कंपाउंड पार्टनरशिप का कंसेप्ट क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन पी सेम इसी से रिलेटेड रहेगा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यहां से ए स्टार्ट बिजनेस विद रूपीज टू थाउजेंड ए ने दो हजार रूपए लगाए बी ज्वाइन हिम आफ्टर थ्री मंथ्स मैं यहां पे लिख रहा हूं बी ने इसको तीन महीने बाद ज्वाइन किया विद इन्वेस्टमेंट ऑफ फोर थाउजेंड पहले पढ़ लेते हैं आफ्टर एट द एंड ऑफ द ईयर यानी ए पूरा साल काम पे रहा है बी ज्वाइंस हिम आफ्टर थ्री मंथ्स विद रुपीज फोर थाउजेंड सी इन्वेस्ट अ सम ऑफ रुपीज टेन थाउजेंड इन द बिजनेस फोर टू मंथस ओनली यानी बी ने तीन महीने बाद ज्वाइन किया यानी नाइन महीने काम किया और सी ने जो है सी ने जो है ए ने आपके पैसे लगाए हैं दो हजार पूरे साल के लिए बी ने पैसे लगाए हैं चार हजार तीन महीने बाद ज्वाइन किया यानी एक साल में तीन महीने गए कितने बचे नो no. और सी ने दस हजार रुपए लगाए और काम किया सिर्फ दो महीने फॉर ओनली टू मंथ अब वो चाहे स्टार्टिंग के दो महीने हो चाहे एंड के हो चाहे मिड के हो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है हमें इसका समय मिल गया सिर्फ उसने दो महीने इन्वेस्ट किया तो यहां से रेशियो निकाल लेंगे तीन जीरो कैंसिल होगी थोड़ा इसको नीचे लिख लेते हैं सोल्व करने में आपको समझने में आसानी रहेगी टू टू ज फोर ये भी टू कैंसिल क्या बचा ट्वेल्व इन टू इंटू नाइन टेन टू सिक्स टू फाइव टेन आपका यहां से आ गया सिक्स रेशियो नाइन रेशो फाइव यानी ए को मिले सिक्स एक्स बी को मिले फाइव एक्स सी को मिले नाइन एक्स एट द एंड ऑफ द ईयर दे गोट प्रॉफिट ऑफ वन लैख ट्वेल्व थाउजेंड यानी यहां से सिक्स एक्स प्लस फाइव एक्स प्लस नाइन एक्स इजिकल टू एक लाख बारह हजार छह पांच ग्यारह ग्यारह नौ आपके कितने हो गए बीस एक्स इज इकल टू एक लाख बारह हजार जीरो से जीरो कैंसिल फिफ्टी सिक्स हंड्रेड एक्स की वैल्यू कितने आ गई फिफ्टी सिक्स किसका शेयर निकालना है सी का तो सी का प्रॉफिट कितना है नाइन एक्स नाइन इंटू फिफ्टी सिक्स हंड्रेड जीरो जीरो फाइव सॉरी फोर पचास हजार चार सौ सो द शेयर ऑफ सी है दैट इज ओनली तो ये था आपका पार्टनरशिप वाला कंसेप्ट होप आपको समझ आया होगा इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है दैट इज टाइम एंड वर्क एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और यहां से बिल्कुल इजी ईजी कंसेप्टी तो जितना इसको हम टफ समझते हैं उसको हम उतने ही इजी वे से हम इसको सोल्व करेंगे देखिए करना क्या होता है इस क्वेश्चन में वन बाय वन जितने भी मैक्सिमम टाइप जितना भी समय के अकॉर्डिंग लेक्चर के अकॉर्डिंग जितना एडजस्ट कर पाए जितनी मैक्सिमम टाइप्स आपके आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सारी की सारी टाइप्स जो हम इसमें डिस्कस करेंगे तो फर्स्ट टाइप है आपकी क्या बोल रहा है पहले ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन टेन डेज ए किसी काम को दस दिन में कर सकता है बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन फिफ्टीन डेज ऐसे लिख लेना होता है ए किसी काम को दस दिन में कर सकता है बी जो है उसी काम को पंद्रह दिन में कर सकता है ठीक है हाउ मैनी डेज दे विल टेक टू कंप्लीट द वर्क इफ दे वर्क टूगेदर पहले क्वेश्चन समझिए उसने बोला ए किसी काम को दस दिन में खत्म कर सकता है बी जो है उसी काम को पंद्रह दिन में कर सकता है अगर मैं दोनों के एक साथ काम पर लगाऊंगा तो काम जो है वो कितने दिनों में खत्म हो जाएगा देखने में बिल्कुल ही आपको टफ लग रहा होगा हमने क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में इनका एल्सियम है दस और पंद्रह का हम एल्सियम लेंगे जो भी आपको भेज दिए हैं किसी काम को दस दिन में पंद्रह तो दिन में दोनों तो का ये, ये तीस, तीस टोटल वर्क है टोटल वर्क जानी हमारे पास जो कुल काम है वो कितना है तीस अब यहां से हमने देखी क्या टेन थ्री जा कितने होते हैं थर्टी फिफ्टीन टू जा कितने होते हैं आपके थर्टी यहां से क्या करना है यानी अब इसका दस और पंद्रह का कोई काम नहीं रहा ये जो तीन और दो आए इसको हम बोलते हैं एफिशिएंसी। क्या बोलते हैं एफिशिएंसी। यानी ए एक दिन में तीन काम कर सकता है टोटल काम थे मेरे पास तीस फॉर एग्जाम्पल मान लो हमारे पास कनक के खेत है तीस खेत है मेरे मैं ए मजदूर को लेके आया ए मजदूर एक दिन में तीन खेत काट सकता है तभी वो तीस खेत दस दिन में काटेगा

तीन जमा दो यानी दोनों एक दिन में कितने खेत काट सकते हैं पांच खेत काट देंगे टोटल खेत कितने हैं मेरे डिवाइडेड बाय डेज यानी दिनों में काम जो है खत्म हो जाएगा अगर मैं दोनों को एक साथ काम पे लगाऊंगा क्लियर है तो ए जो है वो किसी काम को दस दिन में और बी जो है उसी काम को कितने दिन में कर सकता था पंद्रह दिन में ठीक है जी तो यहां से हमें एफिशिएंसी निकालनी होती है एक बार फिर से देख लीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे सब में हमें एल्शियम लेना होता है ए इसी काम को दस दिन में बी इसी काम को पंद्रह दिन में एल्शियम लिया तीस तीस हमारा हो गया टोटल वर्क टेन टूर टेन थ्री थर्टी फिफ्टीन टू जो थर्टी ये कैंसर यानी ए का एक दिन का काम तीन बी का एक दिन का काम दोनों मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में पांच काम खत्म हो जाएंगे तो दैट इज थर्टी पॉइंट फाइव सिक्स डेज में काम जो है वो खत्म हो जाएगा क्लियर है नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब सेम जितनी भी टाइप्स पॉसिबल हुई सारी की सारी आपके एग्जाम पॉइंट व्यू से डिस्कस कर लेंगे ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन ट्वेल्व डेज अब क्वेश्चन ऑपोजिट आ गया काम वही हमारा एलसीएम लेना ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन ट्वेल्व डेज ए और बी टुगेदर ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन ट्वेल्व डेज इसका मतलब क्या है ए और बी किसी काम को बारह दिन में कर सकते हैं क्लियर है बी कैन फिनिश द वर्क इन थर्टी डेज अगर बी अकेला काम करेगा तो वो तीस दिन लगा देगा यहां तक क्लियर है पीछे में क्या दिया था अकेले अकेले का काम दिया था हमने दोनों का निकालना था यहां पे दोनों का भी दिया है अकेले का भी दिया है बोला क्या है ए अलोन कैन फिनिश द वर्क इन अगर मैं ए अकेला काम करे तो वो कितने दिनों में काम खत्म करेगा मैंने बोला कि जितने भी क्वेश्चन आएंगे एल्स में लेंगे बारह और तीस का अगर हम एल्स में लेंगे तो सिक्सटी आ जाएगा सिक्सटी हमारा हो गया जी टोटल वर्क मेरे कुल खेत है साठ बारह पंजे साठ ट्वेल्व फाइव सिक्सटी थर्टी टू झा सिक्सटी अब इसका कोई काम नहीं रहा यानी ए और बी का एक दिन का काम पांच बी का एक दिन का काम दो यानी ए और बी एक दिन में पांच खेत काट देते हैं बी जो है हाँ वो एक दिन में कितने खेत काटता है दो देखो ए और बी एक दिन में पांच काटेंगे टोटल साठ थे बारह तभी बारह दिनों में काम खत्म किया बी अकेला एक, एक दिन में दो काट रहा है तो तीस दिनों साठ बोला ए अकेला तो यहां से मुझे क्या करना है यहां से मुझे क्या चाहिए एफिशियंसी चाहिए किसी चाहिए अगर मैं का काम नहीं करूं एक अकेला काम कितने दिन में कर सकता है तो यहां से एफिशिएंसी यहां पे बी की वैल्यू पुट करो प्लस टू इज इक्वल टू फाइव ए इज इक्वल टू फाइव माइनस टू यानी ए का एक दिन का काम कितना हो गया भाई तीन ए एक दिन में तीन खेत काट सकता है टोटल खेत है हमारे पास साठ बीस ये साठ यानी अगर मैं ए को अकेले काम पे लगाऊं, तो मैं वो जो है बीस दिन में काम जो right है वो खत्म करेगा दैट इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तो ये बिल्कुल ऑपोजिट था यहां पे भी हमें एल्सियम लेके ही सोल्व करना है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर है हमारा इसमें देखिए क्या बोल रहा है ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन एट डेज सेम ए किसी काम को आठ दिन में बी कैन डू इट इन टेन डेज दस दिन में सी कैन डू इट इन ट्वेंटी डेज हाउ मेनी डेज इफ ए बी सी एंड टूगेदर कंप्लीट द वर्क तीनों मिलकर काम करेंगे सेम ही कंसेप्ट एल्सियम लेंगे एल से लिया तो यहां से कितना आ जाएगा? यहां से आ जाएगा एट फाइव फोर ट्वेंटी कोई काम नहीं हो एक एक का गया पांच एक दिन में पांच काम कर सकता है बी एक दिन में चार सी एक दिन में दो तीनों एक दिन में कितने काम करेंगे पांच जमा चार जमा दो पांच चार नौ दो ग्यारह काम करेंगे टोटल काम कितने चालीस चालीस बटा क्या करेंगे ग्यारह टोटल खेत मेरे चालीस हैं एक दिन में तीनों मिलकर ग्यारह खेत काटेंगे तो चालीस बटे ग्यारह द्री इंटू सेवन बाई इलेवन डेज थ्री इंटू सेवन बाई इलेवन डेज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर क्लियर है जितने भी क्वेश्चन आएंगे हमें एलसीएम लेना है जो आपका एलसीएम आया दैट इज योर टोटल वर्क वहां से हमें एफिशिएंसी फाइंड करनी है एफिशिएंसी कितनी है उसी के साथ हमें एफिशिएंसी से डिवाइड करना है क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ए एंड बी कैन डू अ पीस वर्क इन एटीन डेज ए और बी किसी काम को अठारह दिन में बी एंड सी इन ट्वेंटी फोर डेज सी एंड ए इन थर्टी सिक्स डेज फाइंड द टाइम इन विच ए बी सी वर्क टूगेदर फिनिश द वर्क ठीक है फाइंड ए बी सी वर्किंग टूगेदर कैन फिनिश द वर्क फाइंड द टाइम इन विच कि अगर तीनों एक साथ काम करेंगे तो कितने दिनों में काम खत्म हो जाएगा क्वेश्चन सेम ही है डिफेंस क्या वो देखते हैं बोलता कि ए और बी किसी काम को अठारह दिन में कर सकते हैं ठीक है बी और सी उसी काम को कर सकते हैं अभी चौबीस दिन में ठीक है सी और ए उसी काम को कर सकते हैं अभी छत्तीस दिन में करना क्या है पहला काम एल्शियम तीनों कैल्शियम लेंगे सेवेंटी टू आ जाएगा अभी करके देख सकते हैं सेवनटी टू एल्सियम आ जाएगा क्लियर है तीनों कैल्सियम आगे टू एटीन फोर सेवेंटी टू ट्वेंटी फोर थ्री दी टू थर्टी सिक्स टू सावेंटी टू इसका अब कोई काम नहीं रहा यानी ए और बी एक दिन कैपिशी कितनी होगी चार दोनों मिलकर एक दिन में चार खेत काटते हैं बी और सी एक दिन कैप्शियंसी कितनी होगी तीन सी और ए एक दिन से कितनी होगी यानी और B अगर दोनों काम करें तो एक दिन में चार काम खत्म होंगे बी और सी दोनों काम करेंगे तो एक दिन में तीन काम खत्म होंगे सी और ए दोनों काम करेंगे तो एक दिन में सिर्फ दो काम खत्म होंगे अब यहां से हमारा जो है ये नहीं पता कि ए एक दिन में तीन खेत काटता है कि कितने काटता है ना तो हमारा काम पहले उसको फाइंड करना है करेंगे क्या हमें पूछा है कि तीनों मिलकर यानी ए बी और सी क्या कर थे पहले FNC सम करते थे यहां भी सम करेंगे लेकिन जब मैं यहां पे सम करूंगा तो टू ए प्लस टू बी प्लस टू सी दो नौ यहां से दो कॉमन लेना यहाँ ए भी दो बार आ गया अब एक व्यक्ति को दो बार थोड़ी काउंट करेंगे ना ही दूसरे व्यक्ति को दो बार काउंट करेंगे ना ही तीसरे को तो वहां से ये एफिशिएंसी नो अब तीनों एक दिन में नो काम नहीं करते नहीं ये दो एक व्यक्ति को दो बार काउंट कर रहे हैं तो यहां मैं दो से डिवाइड करूंगा यानी तीनों एक दिन में नौ बटा दो काम करते हैं साढ़े चार काम करते हैं अब टोटल काम कितने हैं सेवनटी टू तीनों एक दिन में कितने काम करते हैं नाइन ओवर टू डिवाइड का डिवाइड ऊपर नाइन एट द सेवनटी टू नौ अठे बहत्तर आठ दुनी सोलह दिनों में काम जो है खत्म हो जाएगा अगर तीनों मिलकर एक साथ काम करेंगे तो क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ए 26 क्वेश्चन ए कैन डू अ पीस ऑफ़ वर्क इन टेन डेज वाइल वी कैन डू इट इन सिक्स डेज ए किसी काम को दस दिन में कर सकता है बी उसी काम को छ दिन में कर सकता है ठीक है जी एल्सियम लिया कितना आ गया आ गया तीस हमारा टोटल वर्क दस ती तीस छ पंच इसका कोई काम नहीं एक, एक दिन का काम पांच बी का दिन का काम पांच एक एक दिन का काम तीन अब ये नहीं पूछा दोनों मिलकर कितने दिनों में खत्म करेंगे क्वेश्चन पढ़ते हैं ए कैन डू of वर्क इन टेन डेज while वी कैन डू इट इन सिक्स डेज बी worked इट फोर डेज यानी मैं बी मजदूर को काम पे लेके आया उसने सिर्फ छह दिन आ, चार दिन काम किया और काम छोड़ के चला गया वी वर्क इट फोर डेज हाउ लॉन्ग विल ए टेक टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क क्वेश्चन क्या है ए किसी काम को दस दिन में खत्म कर सकता है अगर बी उसी काम को करे तो वो छह दिन में खत्म कर सकता है हुआ क्या दोनों का टोटल वर्क निकलेगा यानी मेरे पास टोटल खेत है तीस अगर मैं ए को काम पे लगाऊंगा तो वह दिन, दस दिन लगा देगा एक दिन में तीन काम कर रहा है बी को काम पे लगाऊंगा तो वो छह दिन लगाएगा क्योंकि एक दिन में पांच काम कर रहा है मैंने क्या किया मैं बी मजदूर को लेके आया उसने चार दिन काम किया अब उसने चार दिन काम किया एक दिन में वो कितने काम कर रहा है यानी कितने खेत काट रहा है पांच काट रहा है यानी उसने चार दिन में बीस खेत काट दिए और काम छोड़ के चला गया अब जो वर्क बच गया रिमेनिंग वर्क बचा देखो ना टोटल खेत थे तीस तीस में से बीस गए कितने काम बच गए दस ही काम बचे ना क्योंकि बीस खेत तो बी काट के चला गया अब बचा हुआ काम ए कितने दिनों में करेगा काम कितना बच गया दस काम बच गए ए को लेके आया ए एक दिन में कितने काम कर सकता है तीन तो बचा हुआ काम तीन से ही एक बटा तीन दिनों में वो खत्म करेगा दैट इज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर कई बार इसमें ये भी पूछा होता है कि पूरा काम कितने दिनों में हुआ तो पूरा काम का मतलब है जो चार दिन ए ने बी ने लगाए हैं प्लस तीन से ही एक बटा तीन यानी चार दिन जमा दस बटा तीन पूरा काम जो है बाईस बटा तीन दिनों में खत्म होगा ये भी जो तो नोट रखेंगे उसने रिमेनिंग वर्क पूछा है कि बार ये भी पूछ लेते हैं कि पूरा काम कितने दिनों में खत्म होगा तो जो पीछे वाला व्यक्ति छोड़ के गया उसके दिन ऐड करने हैं जो बचा हुआ काम जिस व्यक्ति ने किया है उसके दिन ऐड करने हैं तो वहां से आपका पूरा काम खत्म होगा क्लियर है चलिए नेक्स्ट देखते नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सिक्स क्वेश्चन क्या है टेन मैन कैन मेक ट्वेंटी टू इन ट्वेल्व डेज वर्किंग ट्वेल्व आवर डे देन इन हाउ मेनी डेज ट्वेंटी फोर पर्सन कैन मेक थर्टी टू टॉइज वर्किंग सिक्सटीन आवर डे भी जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा टाइम एंड वर्क से फॉर्मुला नोट करेंगे सारे एम वन डी वन टी वन एच वन लिख लो डब्ल्यू टू इज इक्वल टू एम टू डी टू टी टू एच टू डब्ल्यू वन इसके अकॉर्डिंग जब भी क्वेश्चन आएगा उसको इसी तरह से सोल्व करेंगे देखिए एम वन का मतलब लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या होगा जैसे एम वन दस लोग बीस खिलौने ये खिलौने जो है ये हमारा डब्ल्यू वन है इधर और इधर भी हमारे पास थर्टी टू टॉयज है ये आपका डब्ल्यू टू है डब्ल्यू टू इधर आएगा डब्ल्यू वन इधर आएगा बस यही नोट रखना है बाकी सारा एक तरफ दूसरे वाला भी दूसरी तरफ लेकिन जो पहले वाला का काम है डब्ल्यू वन वो उधर जाएगा जो दूसरा काम है वो इधर आएगा यानी दस आदमी बीस खिलौने बारह दिनों में बारह घंटे प्रतिदिन काम करके बना सकते हैं देन इन हाउ मेनी डेज कितने दिनों में 24 लोग बत्तीस खिलौने 16 घंटे प्रतिदिन काम करके बनाएंगे 10 आदमी कितने दिनों में 12 दिनों में कितने घंटे काम कर रहे हैं बारह घंटे और ये कितने खिलौने बना रहे हैं ये खिलौने बना रहे हैं बीस उधर जाएगा कितने 24 M2 फोर कितना हो गया 24 फोर डेज हमें निकालना है ठीक है टाइम कितना है 16 घंटे दैट इज एच वन डी वन हमारा कितना हो गया 20 खिलौने और इधर हमारा हो गया 32 क्लियर है ये वाली चीज एक बार फिर से देख लेते हैं इसको यहां करते हैं देखिए एम बन कितना है दस व्यक्ति बारह दिनों में बारह घंटे काम करके कितने खिलौने बनाते हैं बत्तीस खिलौने बनाते हैं वो यहां चला गया सॉरी बीस खिलौने बनाते हैं कितने खिलौने बनाते हैं बीस वो बीस यहां चला जाएगा डब्ल्यू वन में ठीक है उसी तरह चौबीस व्यक्ति कितने दिनों में सोलह घंटे प्रतिदिन काम करके बत्तीस खिलौने बनाएंगे वो यहां चला जाएगा यानी W1 उस तरफ W2 इस तरफ बस सोल्व करना है ठीक है यहां से आपका सिक्सटीन टू झा थर्टी टू टू से टू कैंसिल D2 हमारा कितना बचा सिक्स छह दिनों में यानी चौबीस लोग जो है छह दिनों में बत्तीस खिलौने बना देंगे अगर वो सोलह घंटे प्रतिदिन काम करें तो क्लियर है तो ये वाला फॉर्मुला इंपॉर्टेंट है यहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है एम वन डी वन वन वाला ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी क्या है ट्वेंटी एट्थ क्वेश्चन जो है ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है अब इसमें क्वेश्चन को समझेंगे इसका क्या मतलब है इफ सिक्स मैन और एट वुमेन सिक्स मैन और एट वुमेन कैन रीप अ फील्ड इन एटी सिक्स डेज यानी वो किसी खेत को खुदाई जो है या उसको ऊपर काम जो है वो एट्टी सिक्स डेज में खत्म कर सकते हैं हाउ लॉन्ग विल फोर्टीन मैन एंड टेन वुमेन यानी चौदह आदमी और दस औरतें उसको कितने दिनों में खत्म करेंगी अब सिक्स मैन और एट वुमेन का मतलब है कि जो छह व्यक्ति हैं वो आठ औरतों के बराबर है ये चीज पहले नोट रखेंगे क्योंकि यहां पे जो सिक्स मैन है वो एट वुमेन के इक्वल है हमें पूछा है कि फोर्टीन वुमेन फोर्टीन मैन प्लस टेन वुमेन अब यहां पे एंड लगा है तो प्लस का साइन आएगा ठीक है हमने वहां से क्या करना है वहां से हमें एक मैन की वैल्यू निकालनी यानी यहां से है क्या आपका सिक्स मैन इज इक्वल टू एट वुमेन टू थ्री झा सिक्स टू फोर झा एट एम इज इक्वल टू क्या हो गया फोर बाय थ्री वुमेन यानी एक व्यक्ति जो है वो चार बटा तीन वूमेन के बराबर है क्लियर है तो यहां से देखिए यहां पे हमने अगर आप यहां से वुमेन की वैल्यू भी निकाल सकते हैं तो यहां पे वुमेन की पुट करेंगे मैन मैन की की हमने निकाली तो की करेंगे यानी व्यक्ति किसके बराबर है चार बटा तीन जमा दस भूमे भी आपका वुमेन आ गया साथ में आ, ये वुमेन चलेगा तो यहां से आपका फिफ्टी सिक्स ओवर थ्री वुमेन प्लस टेन वूमेन तो यहां से आपका कितना हो गया थर्टी एट्टी सिक्स ओवर थ्री वूमेन एट्टी सिक्स ओवर वुमेन टोटल वुमेन अब कितनी आ गई सिक्स भी देखो यहां से बोला था आदमी चलिए एक बार फिर से करते हैं इसको उसने बोला है कि आदमी और आठ औरतें या फिर ठीक है तो यानी हमने एक मैन की वैल्यू निकाली यहां से एट बाई सिक्स वूमेन तो यानी एक मैन की वैल्यू आ गई फोर बाई थ्री अब उसने बोला कि आठ फोर्टीन मैन एंड टेन वुमेन उस काम को कितने दिनों में करेंगे ये तो कर रहे हैं पहले वाले एटी सिक्स में यानी यहां से आपका कितना हो गया मैन की वैल्यू पुट करी फोर बाई थ्री वूमैन प्लस टेन वुमेन यहां से फोर फोरजा फोर्टीन जा, फिफ्टी सिक्स ओवर थ्री वुमेन प्लस टेन वुमेन थर्टी उधर जाएंगे एट्टी सिक्स ओवर थ्री वुमेन आ जाएगा यहां से क्लियर है तो आगे हमारा वही फॉर्मूला एम वन डी वन वाला यानी कि आठ औरतें देखो वुमेन की वैल्यू निकाली ना आठ औरतें किसी काम को कितने दिन में कर रही हैं एट्टी सिक्स में अब काम नहीं दिया है काम दिया होता डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू तब इंटरचेंज होता है यहां पे डेज दिए हैं उसी तरह हमारे जो है एट्टी सिक्स बाई थ्री जो है एट्टी सिक्स बाई थ्री जो है क्योंकि यहां पे वुमेन नहीं आएगा अगर यहां वुमेन लेंगे तो यहां पे भी वुमेन लेंगे वुमेन से वुमेन कैंसिल हो जाएगा 86 सिक्स वूमेन जो है वो कितने दिनों में काम खत्म कर देंगे 86 सिक्स से सिक्स कैंसिल एट थ्री ट्वेंटी फोर डेज में 24 दिनों में काम जो है खत्म कर देंगे 14 आदमी और 10 औरतें क्लियर है तो ऐसे क्वेश्चन में आपको वैल्यू निकालनी होती है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी क्या है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी है ट्वेंटी परसेंट ऑफ ए वर्क कैन कंप्लीट इन थर्टी थ्री डेज ट्वेंटी परसेंट ऑफ ए कैन कंप्लीट इन थ्री डेज ए मैंने ले लिया वर्क तो दैट इज क्या हो गया ट्वेंटी अपॉन हंड्रेड ऑफ ए इज एज इक्वल टू फाइव थ्री फिफ्टीन डेज यानी पूरा काम कितने दिनों में हुआ पंद्रह दिनों में 15 ट्वेंटी परसेंट ऑफ ए किसी काम का बीस परसेंट तीन दिनों में हो रहा है पूरा काम पूरा काम परसेंट साइन हटाएंगे परसेंट साइन हटाएंगे ए ए अपॉन फाइव फाइव इज इक्वल टू थ्री ए इज इक्वल टू कितना हो गया पंद्रह दिनों में पूरा काम जो है पंद्रह दिनों में खत्म होगा अगर किसी काम का बीस परसेंट जो है वो तीन दिनों में खत्म हो रहा है क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का क्वेश्चन नंबर थर्टी थर्टी क्वेश्चन हमारा ट्वेंटी वूमेन कैन कंप्लीट ओ पीस ओवर्क इन सेवन डेज ट्वेंटी वूमेन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ इन सेवन डेज फॉर्मुला फॉमुला मारा वही एम वन डी वन टी वन डब्ल्यू टू एम टू टी टू डी टू डब्ल्यू वन ट्वेंटी वूमेन कैन कंप्लीट ओ वर्क इन सेवन डेज इफ एट मोर वूमे अगर आठ औरतें और एड कर दी जाने वूमेन्स होगी अट्ठाइस देन इन हाउ मैनी हाउ मैनी डेज डेट इज डी टू निकालना है फाइव जा तो डी टू कितने दिनों में पांच दिनों में काम जो है वो खत्म हो जाएगा अगर आठ और औरतें काम पर लगा दी तो ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने रेशो एंड प्रपोशन पार्टनरशिप एंड टाइम एंड वर्क डिटेल में जो भी आपके एग्जाम पॉइंट व्यू से रिलेटेड था जो भी हम जितना इसमें डिस्कस कर पाए सारे का सारा होप आपने अच्छे से समझा होगा नोट डाउन किया होगा तो आज का जो सेशन है हमारे इन तीन चैप्टर के साथ यहीं पे खत्म होता है नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे हम अपने नए चैप्टर्स के साथ तब तक के लिए आप इनके आज जो हमारे छह के पांच के पांच सेशन जो आज हमारे कंप्लीट हो चुके हैं फिफ्थ सेशन था आज हमारा लगभग हमने पंद्रह चैप्टर जो है आई होप पंद्रह चैप्टर दस बारह से पंद्रह चैप्टर हमने डिस्कस कर लिए होंगे तो नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे हम नए चैप्टर्स के साथ थैंक यू थैंक यू वेरी मच